नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस 2 अक्टूबर को पूरा भारत देश महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा है और महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था एक स्वच्छ और सुंदर भारत का। तो हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर उन्हें एक स्वच्छ और सुंदर भारत का जो उनका सपना है उसको साकार करने में इस दिशा में आगे बढ़े। इसी दिशा में हमने एक एनवायरमेंट किट का जो है एक निर्माण किया है। यह एनवायरमेंट किट हम चाहते हैं कि आने वाले जितने भी 2-व्हीलर्स और 4-व्हीलर्स हो उन सभी के अंदर होनी चाहिए। आपको ये एनवायरमेंट किट हम जरा दिखाना चाहेंगे। इस एनवायरमेंट किट को आप जैसे खोलोगे, इस एनवायरमेंट किट में अनेक सेक्शंस बने हुए हैं और इन सभी सेक्शंस में कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है। आप ये पहला सेक्शन देखिए, इसमें जो है ये कैरी बैग रखे हुए हैं। जब हम घर से कई बार निकले तो घर से फ़ोन आया कि आप कुछ सामान ले आइए, तो अगर गाड़ी के अंदर हमारी ये एनवायरमेंट किट रखी हुई है तो इन कैरी बैग की हेल्प से हम जो है सामान ला सकते हैं और प्लास्टिक का उपयोग करने से बच सकते हैं। हमारी इसी एनवायरमेंट किट में ये हमने स्टील की कटोरी रखी है। मार्केट में हमारा कुछ खाने का दिल किया, गोलगप्पे इत्यादि, तो हम स्टील की कटोरी में खा सकते हैं। हमारा जूस पीने का दिल हुआ, पानी पीने का दिल हुआ, तो हम स्टील के गिलास का जो है प्रयोग कर सकते हैं पानी पीने के लिए। साथ ही हमारी इस एनवायरमेंट जो किट है उसमें एक सेक्शन चम्मच का भी बना हुआ, इसमें भी हमने स्टील की चम्मच रखी है। यानी कहने का मतलब है प्लास्टिक की डिस्पोजेबल कटोरी, प्लास्टिक का डिस्पोजेबल ग्लास और प्लास्टिक के स्पून, इन सभी को हम अवॉइड कर सकते हैं। प्लास्टिक के कैरी बैग को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट में हमें भूख लगी, हमने कोई फ्रूट खाया, एप्पल बनाना इत्यादि, तो उसके जो रैपर्स हैं हमारी एनवायरमेंट किट के अंदर उसके लिए भी फैसिलिटी है। हमारी अखबार के कागज हैं जो है लिफाफे हैं, जैसे पुराने समय में दुकानों में मिलते थे, आज भी मिलते हैं ये मंदिर प्रसाद के लिए, तो हम इन प्लास्टिक के जो लिफाफे हैं उसके अंदर हम एप्पल या जो बनाना का छिलका इत्यादि है उसको इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक भाग में हमने टिश्यू पेपर रखने की व्यवस्था बनाई है। यानी अगर हमने कुछ भी खाया तो हम इस टिश्यू पेपर में उसको रैप कर सकते हैं या अपनी कटोरी को, गिलास को या चम्मच को भी रैप कर सकते हैं, ताकि हमारी एनवायरमेंट जो एक किट है ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो हम आप सभी से, जितने भी ये साथी वीडियो देख रहे हैं, हम सभी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप भी अपने बच्चों को इस प्रकार की एनवायरमेंट किट बनाने के लिए मोटिवेट करें। जितने भी हमारे अध्यापक साथी हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि आप भी अपनी कक्षाओं में आने वाले दशहरे की छुट्टियों में बच्चों को इस प्रकार की एनवायरमेंट किट बनाने के लिए प्रेरित करें कि बच्चे सब इस प्रकार के एनवायरमेंट किट बनाएं। अपने शिक्षकों को गिफ्ट कीजिए दिवाली के रूप में, अपने सभी रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को आप सभी इस प्रकार की एनवायरमेंट किट बच्चों से बनवाएं और उन्हीं के हाथों से अपने सभी सगे संबंधियों से बनाएं। और यह एनवायरमेंट किट बनाने की जो अधिकतम मेरी लागत आई है वो 50 से 60 रुपये के बीच आई है। हम मार्केट से वैसा कोई भी गिफ्ट लेते हैं तो कम से कम 100-200 रुपये लगते हैं, लेकिन यह जो हमारी एनवायरमेंट किट है ये 50 से 60 रुपये में पूरी तरह तैयार भी हो जाएगी और पर्यावरण के लिए भी जो है पूरी तरह अनुकूल रहेगी। तो यह हमारा भारत देश तभी स्वच्छ और सुंदर बनेगा जब हम सभी इसमें अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। तो आइए हम इसी संकल्प के साथ कि ये भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाना है और एनवायरमेंट किट को बनाना है, इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।